तो मुसान वायदो करो मारियो न था पाऊं अजा थाना सजावल में मुतासर खातून रहाना मेमन की मुदियत में बैंक मैनेजर जहीर शोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर मुतासरा खातून का कहना है कि बैंक मैनेजर जहीर शोरों मुसलसल मुबैना ज्यादती का निशाना बनाता रहा, जबकि बैंक मैनेजर से 2 साल बच्ची भी है। तहम बच्ची को अपना नाम देने के लिए कहा तो मुझे मारने की धमकियाँ दी। इनका कहना था कि बैंक मैनेजर जहीर शोरों काफी अरसे तक मुझसे सूद का कारोबार भी करवाता रहा। मुतासरा खातून ने मुतालबा किया कि दोनों के DNA टेस्ट करवाए जाए ताकि बच्ची को इसके बाप का नाम मिल सके। ब्याज का था, उसका चलाती थी, पैसा उसका था, मैं गरीब थी। अच्छा, उसकी इजाजत से? जी, उसका पैसा था। वो तो मुझे कहता था सैफुल्ला जुनेजो और ये जैदीन शोरो और भी इसमें बहुत शेर के इज्जतदार हैं, 50 से 60 जने हैं। सबका नाम ना जब टाइम आएगा सबका बताऊंगी कौन कौन थे। शोरों से DNA का मसला है, उससे मेरी एक बेटी भी है, वही मुझे धमकियाँ दे रहा है, मुझे जान का खतरा है। DNA मैच करवाए, अगर ना मैच हुए तो मैं खुद अपने आप को मार दूंगी, अपनी बेटी को भी, मैं खुद जिम्मेवार हूँ अगर गलत साबित हुई तो। इधर सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल करने के बाद अवामी हलकों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तहम सोशल मीडिया सार्फीन समेत अवामी हलकों ने मुतासरा खातून रेहाना मेमन से इंसाफ का मुतालबा किया है।